मिस इंडिया में भी ऐसी है जिनकी लिंकेज या फिर पार्टनरशिप फॉरेन या फिर यूरोपियन क्लब से हैं, और वहाँ पे मतलब स्काउट्स वगैरह होते हैं इनके, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि प्लेयर्स की कि यूरोप में कैसे खेल सकते हैं, यूरोप कैसे जाना है, यूरोप में कैसे पार्टिसिपेट करें। तो अगर आपका भी ड्रीम है यूरोपियन किसी लीग में खेलने का या फिर किसी फॉरन क्लब से खेलने का, तो इस वीडियो को एक एक सेकेंड तक देखे, ज़रा भी स्किप ना करे, और प्लीज़ आपके लिए रिसर्च की है और आप लोग के लिए वीडियो है, इसको एंड तक देख लेना और सपोर्ट करना, शेयर करना आपके जो भी दोस्त हैं, और क्योंकि ऐसे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाले हैं रिसर्च करने के बाद। सुबह सुबह आपके लिए वीडियो डाल रहा हूँ, तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को देखना, और इसीलिए बनाया कि आप लोगों के डाउट क्लियर हो सके और आपके माइंड में हमेशा ही क्वेश्चन रहता है, लाइव वगैरह में भी आप पूछते हो, और इस वीडियो को मिस मत करना गाइज, यही बोलूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। गाइज आप सबके मन में डाउट रहता है कि काफ़ी यूरोपियन लीग्स में जो प्लेयर्स जैसे कि सुप्रीत सिंह और यान ढांडा वगैरह, वो कैसे फॉरेन क्लब से खेल रहे हैं और इंडियन ओरिजिन के प्लेयर्स हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं पहले कि वो जो लोग हैं उनके पास सिटीजनशिप भी उसी कंट्री की है, इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है। और वैसे हो सकता है ये है कि उनके पेरेंट्स या फिर उनका ओरिजन इंडिया से है, इसलिए वो इंडियन ओरिजिन प्लेयर है, इसका ये मतलब नहीं कि वो इनकी मतलब सिटीजनशिप इंडिया की है। तो गाइज इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत सारी बातें इसमें जानने को मिलेंगी। हेलो भाई लोग, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू द फुटबॉल क्लासरूम। तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ लिया होगा, मैं आपको बताऊंगा आज की क्यों हमारे इंडियन नेशनल टीम के प्लेयर्स फॉरेन क्लब्स जैसे कि ईपीएल, स्पेनिश ला लीगा वगैरह में क्यों नहीं खेलते, और अगर वहाँ पे आप इंटरेस्टेड हो जाने के लिए तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो या फिर किस किस तरीके से आप उसमें घुस सकते हो। तो गाइज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं खेलते और इन फ्यूचर अगर खेल सकते हैं, और आपको अगर जाना हो तो किस किस तरीके से आप जा सकते हो। तो गाइज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, तो हम इस वीडियो को ना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं गाइज, लेट्स रोल। तो गाइस सबसे पहली बात तो क्यों नहीं खेलते हैं इंडियन जो नेशनैलिटी के प्लेयर्स किसी भी यूरोपियन लीग में, क्योंकि जो रूल है वहाँ का वो ये है कि किसी भी यूरोपियन जो यूरोपियन यूनियन है 28 कंट्रीज, जिसमें स्पेन वगैरह और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ भी आते हैं, लालीगा भी उसी में आती है और जर्मनी की लीग्स भी उसी में आती है, तो उसका क्या रूल है कि जो 70 जो फीफा की रैंकिंग है इंडिया की, मेरे ख्याल से अबव 100 चल रही है इस टाइम, और वो होनी चाहिए 70 से नीचे, यानी कि 69 से पहले पहले, 70 से पहले पहले जो रैंकिंग है उस रैंकिंग के कंट्री का प्लेयर होगा तो उसे वहां पे मतलब चांस मिलेगा, और उसके बाद 75% जो उसकी अपेयरेंसेज हैं अपनी टीम की क्लब के लिए वो होनी चाहिए 75%, तो वो पॉसिबल तभी हो पाएंगी जब उसे यूरोपियन यूनियन का वर्क परमिट मिल पाएगा, और वो तभी मिलेगा जब रैंक जो होगी इंडिया की टीम की वो 70 से नीचे होगी तभी होगा, जो कि अभी अबव 100 चल रही है, मेरे ख्याल से 100-103 चल रही है, और इसीलिए। बाकी गाइस ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो सकते, रास्ता है, पर उसके लिए जैसे कि ग्रास रूट लेवल पे जो ट्रायल्स लेने आते हैं जैसे यूथ अकेडमीज के, जैसे कि क्रिस्टल पैलेस आई थी कुछ टाइम पहले, और मतलब फॉरेन क्लब्स आते रहते हैं स्काउटिंग करने के लिए, क्योंकि जो यंग टैलेंट है इंडिया से भी काफ़ी ज़्यादा पिक हो सकता है आने वाले टाइम में, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, और उसमें अगर आप यूथ एकेडमी में सेलेक्ट हो जाते हो ना जाके ट्रायल्स में, और वो आपको अपने कंट्री ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो फिर उसके बाद जब आप यूथ एकेडमी से वहाँ से खेलते हो तो आपको उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, पर उसके लिए भी आपको कुछ अपना सिटीजनशिप का कुछ पंगा पड़ेगा, वो सॉल्व हो जाएगा एक बार आप सेलेक्ट हो जाते हो तो, और उसके बाद आप किसी भी यूरोपियन यूनियन या फिर जो यूरोप के आप क्लब्स हैं जैसे कि लालीगा वगैरह उसमें खेल सकते हो। एक रास्ता और है, कुछ अकेडमीज इंडिया में भी ऐसी है जिनकी लिंकेज या फिर पार्टनरशिप फॉरेन या फिर यूरोपियन क्लब से हैं, और वहाँ पे मतलब स्काउट्स वगैरह होते हैं इनके, अगर लिंक है तो हो सकता है कि वो अगर आपका परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो आपको वो उस क्लब में ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं या फिर आपका ट्रायल वगैरह अरेंज कर सकते हैं। तो गाइज इसके लिए पर ये बात जान लेना, अगर 500 बच्चे होंगे तो उसमें से 3-4 या हो सकता है एक दो भी, सब नहीं हो सकता है एक दो भी, ये नहीं कि आपने उन अकेडमी में एडमिशन ले लिया तो आप ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक्सेप्शनली परफॉर्म करना पड़ेगा, उसके लिए चाहिए मेहनत, हार्डवर्क, डेडिकेशन और बहुत सारा डिसिप्लिन, और बस इतना सब कुछ, और वो भी सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो गाइस आई होप कि आपको ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं समझ आए हों और इसका आप इंपॉर्टेंस समझते हो लाइफ में। तो गाइज आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी हो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, और आज आज की वीडियो में इतना ही गाइस, पीस आउट।